इसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मोहम्मद इसाक ने, आपको भी दिखवाते हैं। देखिए मैं जब लद्दाख फिल्म फेस्टिवल में भी गया तो मैंने देखा कि युवाओं में बहुत प्रतिभा है। गोवा में शुरू होने जा रहे हैं 8 रोजे का फिल्म फेस्टिवल होगा और इस फिल्म फेस्टिवल में 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे संबंधित बात करने के लिए यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने, सर क्या कहेंगे इस बार जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसी गोवा में हो रहे हैं, वुमेन की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्या कहेंगे? 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है और देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फिल्म कलाकारों से लेकर फिल्म निर्माता निर्देशक अपने काम को दिखाते हैं और दुनिया उसको खरीदने के लिए भी आती है, देखने भी आती है। रिकॉर्ड 10,000 से ज़्यादा एंट्रीज आई, अब तो एंट्रीज हमें रोकनी पड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर के 79 देशों से 280 से ज़्यादा फिल्मों को यहाँ पर दिखाने का, डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाने का अवसर मिलेगा। OTT प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज हैं उनका सीजन 4, जैसे फौदा बहुत मशहूर सीरीज है, उसका भी यहाँ पे प्रीमियर होने वाला है। बहुत सारी बड़ी फिल्में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय का प्रीमियर यहाँ पर होने वाला है। इफी का एक ऐसा नाम बना है कि अब दुनिया इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में देख रही है और भारत में वो ताकत है कि दुनिया की फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन भी बने, को प्रोडक्शन के लिए भी हम आगे बढ़ें, कोलैबोरेशन भी करें और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर काम हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमने बहुत नई चीज़ें की हैं। अगर आप एक मूवी सिनेमा में देख रहे हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन पर किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं आप उसको अपने हेडफोन पर सुन सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ हम यहाँ पर करने वाले। मार्केट प्लेस अगर आप देखोगे, एक नई लुक के साथ हम मार्केट प्लेस को लेकर आए हैं, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लुक है, देख के ही पता चलता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर। सर ओरिजिनल सिनेमा को खासकर इंडिया के दूर दराज जगहों में जो फिल्म मेकर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए मिनिस्ट्री किस तरह की कोशिश कर रही है, खासकर जैसे 75 क्रिएटिव माइंड्स का जो इनिशिएटिव आपका है और उसके अलावा सिनेमा के हवाले से नए टेक्नोलॉजीज दिखाने के लिए FTI की तरफ से एक शोकास किया जा रहा है। देखिए मैं जब लद्दाख फिल्म फेस्टिवल में भी गया तो मैंने देखा कि युवाओं में बहुत प्रतिभा है और हम लोगों ने पिछले साल ही प्रयास किया कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, यानी कि भविष्य के ऐसे 75 क्रिएटिव लोगों को चुना जाए। तो मुझे खुशी है पिछले साल भी 75 लोगों को हम चुन पाए, बहुत शानदार काम किया। इस बार भी 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन थी, उसमें से 75 युवाओं को चुना गया। सबसे युवा 18 साल के हैं, कोई मेघालय के जयंता हिल से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, तो अपने आप में दिखता है कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी जो हुनर है उसको तराशने का और उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और ये दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल की स्टोरीज को भी बाहर निकाल कर दुनिया तक पहुंचाने का काम भी इसके माध्यम से होगा। सर लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से लद्दाख में द हिमालयन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, एक प्लेटफॉर्म लद्दाख के युवाओं को मिला था, तो लद्दाख में और भी फिल्म के हवाले से और खासकर मीडिया के हवाले से लोगों को प्रमोट करने के लिए क्या कहेंगे सर, आप किस तरह कोशिश? देखिए लद्दाख की खूबसूरती ही वहां पर जितनी पॉपुलेशन उससे कई गुना ज्यादा लोगों को टूरिस्ट के रूप में लाती है और लद्दाख का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपने आप में बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। वहाँ के एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाओगे तो अलग कल्चर, अगली बहुत स्टोरीज देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है उन स्टोरीज को भी दुनिया तक पहुँचाने के लिए और दुनिया को लद्दाख की खूबसूरती दिखाने के लिए जी, चाहे फिल्म शूटिंग के माध्यम से हो या फिल्म स्क्रीनिंग के माध्यम से, वहाँ पर लाने का काम करना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे साथ बात कर रहे थे यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर साहब। गोवा में इफी एक बार फिर शुरू हुआ है बड़े